मेरा नाम है स्किबडी किबडी टॉयलेट और मैं चाहता हूँ कि फ्रैंकलिन यानी कि सुमित मेरी टीम में आ जाए, तो उसके लिए मैं एक जाल बिछाने जा रहा हूँ। अगर उस जाल में वो फंस गया तो मेरी टीम दुनिया की सबसे ताकतवर टीम बन जाएगी, क्योंकि सुमित इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। अगर वो मेरी टीम में आ गया तो ये पूरा का पूरा संसार टॉयलेट बन जाएगा। चलो अब मैं मेरा ट्रैप बिछाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक टॉयलेट रख दिया, अगर सुमित इसके ऊपर गलती से भी आकर बैठ गया तो वो मेरी तरह टॉयलेट मॉन्स्टर बन जाएगा और फिर उसका दिमाग मैं कंट्रोल करूँगा। जैसे मैं उसको बोलूँगा वो वैसा ही करेगा, मैं उसको बोलूँगा भोंको तो वो भोंकेगा, मैं उसको बोलूँगा हाथ मिलाओ तो वो हाथ मिलाएगा, मतलब वो मेरा कुत्ता बन जाएगा। इस दुनिया को टॉयलेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे सुमित भैया जल्दी खड़े हो जाओ, बहुत तेज टट्टी आ रही मेरे को, जल्दी से वो गेट खोलो यार, टॉयलेट का बंद पड़ा है। सोने दे यार, निकल यहाँ से। अरे सुमित भैया यार, इनका टॉयलेट खराब पड़ा और मुझे बहुत तेज वाली टट्टी आ रही है। अरे क्या करूँ, स्विमिंग पूल के अंदर कर देता हूँ। अरे नहीं यार, फिर स्विमिंग पूल को साफ कराने में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। अरे कहाँ करूँ यार, टट्टी बहुत तेज आ रही है। गाइस यार तुम्हारे घर पर आ जाऊँ क्या, करने बताओ किसके घर पर आऊँ, उसके घर पर आ जाऊंगा जल्दी से। अरे ये क्या गाइस, ये क्या है, अरे ये तो टॉयलेट है, लगता है सुमित भैया ने नया टॉयलेट मंगाया होगा और कुरियर डिलीवरी वाला इसको यहीं पर छोड़ गया होगा। चलो इसमें कर लेता हूँ टट्टी, मजा आएगा, खुले में बैठ कर करूंगा, बहुत हल्का हल्का लगेगा। ओ चलो यार, अरे ये क्या हो रहा है इस टॉयलेट के अंदर। ओ गाइस यार, मेरे को तो ऐसा लगता है ये कोई नए डिजाइन का टॉयलेट है, इसके अंदर बैठ के शायद गुली गुली का मजा आएगा। हाँ गाइस यार, क्या पता कितना मजा है इसके अंदर बैठ के, कोई तगड़ा टॉयलेट है। चलो यार अब जल्दी से बैठता हूँ इसके ऊपर। अरे ये क्या, अरे सुमित भैया ये क्या हो गया, अरे यार मैं टॉयलेट के अंदर घुस गया। अरे सुमित भैया ने कैसा टॉयलेट मंगाया था पागल सा, अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, कोई तो बचाओ। सुमित भैया, सुमित भैया, अरे यार सुमित भैया तो खड़े ही नहीं हो रहे, सो गए लगता है। अरे गाइस ये कौन है, अरे तुम कौन हो, ओ तुम कौन हो। अरे मेरा नाम सिंचैन है। सुमित कहाँ पर है। अरे वो तो मस्त घोड़े बेक के सो रहे हैं। आ जाओ तुम मेरे साथ चलो। अरे गाइस ये क्या, आखिर मैं इसके साथ क्यों जा रहा हूँ। तुम मेरे हाथ से गुलाम हो, जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। मेरा नाम है स्किबडी टॉयलेट और तुम हो सिंचैन टॉयलेट। हम दोनों मिलके इस पूरे के पूरे लॉस सैंटोस वासियों को टॉयलेट वासी बना देंगे। हाँ चलो टॉयलेट वासी बनाएंगे सभी लोगों को। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, आ जाओ सबको बना देंगे टॉयलेट। यही कमाल की नींद आई यार, पता नहीं सिंचैन चिल्ला रहा था यार सुबह सुबह फालतू में। कहाँ है सिंचैन, बोल अब क्या काम था तेरे को यार, जब से मेरी नींद खराब कर रहा है। अरे कहाँ है, आओ कैसा है सुमित। अबे मैं बढ़िया सिंचैन, कहाँ है, आओ ऊपर गया था पता नहीं कहाँ चला गया फिर। अरे सिंचैन कहाँ चला गया, सिंचैन हाँ बोल क्या काम था सुबह, जब तो तंग कर रहा मेरे को, जब सो रहा था उठा रहा बार बार। अरे ये कहाँ चला गया यार सिंचैन, गाइस जी कहाँ गायब हो गया पागल कहीं का, फोन मिला के देखता हूँ कहाँ चला गया। एक सेकंड रुको यार, फोन मिलाता हूँ इसके पास। ओके यार फोन भी नहीं मिल रहा इसके पास, तो एक सेकंड में इसकी लोकेशन देख लेता हूँ जीपीएस से, आखिर ये गया कहाँ पर है। ओके अबे ये यहाँ पर क्या करने गया इतनी दूर घर से, मैंने तो इसको कभी नहीं जाते देखा इतनी दूर, हमेशा मेरे साथ ही जाता है घूमने, फिर आज ये अकेला क्यों गया है। भाई कुछ ना कुछ तो दाल खा लिए, कहीं पर किसी ने सिंचैन को किडनैप तो नहीं कर लिया। या अरे भाई सब सोच सोच के बुरा लग रहा है, या फिर सिंचैन मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया कि मैं सुबह उठा नहीं। अरे मेरे सिंचैन भाई कितना भोला है रे तू, मेरे को छोड़ के क्यों चला गया। रुक जा भी आता हूँ इसको लेके आता हूँ यार, मनाना पड़ेगा, दो चोको सिर्फ दे दूंगा तो खुश हो जाएगा मेरा भाई। ओ गाइस यार ये तो सही में बहुत ज्यादा दूर आ गया घर से यार, मैं भी इस एरिया में बहुत कम आता हूँ क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं पड़ता ना, कपड़े वपड़े मैं दूसरे एरिया से खरीदता हूँ, फिर ये यहाँ पर क्यों आया ट्रेन के पटरी के पास, कहीं ट्रेन के नीचे मरने तो नहीं आया। अरे नहीं यार इतना पागल तो नहीं है मेरा सिंचैन भाई, अच्छा लोकेशन यहाँ नीचे से आ रही है। अरे यार ये कहीं नहर समझ के इस नाले के अंदर तो नहीं कूद गया पागल यार, बोला स्विमिंग पूल में नहाने जा रहा हूँ, हमारा स्विमिंग पूल थोड़ा गंदा हो रहा है इसलिए यार मेरे को लगता है यहाँ पर नहाने आ गया वो। हाँ बताओ क्या करना है अब इनके साथ। अरे एक सेकंड सिंचैन की आवाज आई है कहीं से, एक बार देखने दो कहाँ से आ रही है। ओए ये क्या है सामने, हाँ बोलो मेरे बॉस अब क्या करना है, किसकी बैंड बजानी है। अरे ये सब क्या चल रहा है, अरे ये क्या है। अरे सुन पिया कैसे हो, अबे सिंचैन तू,
सिंचन है ये। अरे सिंचन ये क्या हो गया तुझे? अरे सुमित भैया इनसे मिली, ये है स्किबरी टॉयलेट, इन्होंने मुझे ऐसा बना दिया। अबे सिंचन चल घर पर, ये क्या हो गया तेरे साथ? और ये लोग कौन है? अरे भाई तुम लोग जाओ यहाँ पर, ये क्या मेला लग रहा है यहाँ पर, जाओ ना यहाँ से। यार ये गरीब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो रखे हैं? अरे सुमित भैया ये लोग टॉयलेट बनना चाहते हैं। टॉयलेट बनना चाहते हैं? क्या बकवास कर रहे हैं, टॉयलेट बनना चाहते हैं ये लोग? अरे जाओ यहाँ से, हमें नहीं जाना यहाँ से। अजीब फंड आज सिंचन, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, कैसे फंस गया तू टॉयलेट के अंदर? अरे सुमित भैया मैं टॉयलेट के अंदर नहीं फंसा हूँ, मैं जानबूझ के इसके अंदर आ गया। अगर तुम्हें टॉयलेट बनना है तो बताओ, तुम्हें भी बना देते हैं। है? मुझे कोई टॉयलेट वॉयलेट नहीं बनना, तेरी तरह बकवास कर, खड़ा हो जल्दी सी। सुमित भैया मैं प्यार से कह रहा हूँ, क्या के टॉयलेट बन जाओ या फिर मर जाओ। अगर तुम्हें टॉयलेट बनना है तो सुमित यहाँ पर रुको, वरना जाओ यहाँ से, आया समझ तुम्हें? अबे तू होता कौन है मेरे को धमकी देने वाला? अरे सुमित भैया ज्यादा मत बोलो मेरे बॉस को। भाई यार यहाँ तो मेरे को कुछ और ही दाल में काला लग रहा है यार, ऐसा लगता है जैसे सिंचन इसके कंट्रोल में हो यार, जो वो बोल रहा है सिंचन मेरे को वो बोल रहा है। यार ये सब क्या चल रहा है? फिलहाल मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, क्योंकि यार वो लोग मेरे को टॉयलेट बना देंगे और मेरे को टॉयलेट बनना नहीं है। ऊपर से जाके देखता हूँ आखिर यार ये क्या लफड़ा चल रहा है, समझ में तो आए मेरे को, मेरी तो दिमाग के ऊपर से जा रही है सारी कहानी, क्या चल रहा है यार? और वो कौन है, इसकी बिड़ बिबड़ी कोई ना है भाई, कौन सा टॉयलेट है वो, पता नहीं क्या बोल रहा है मेरे को कि सिंचन मेरे साथ है और मेरे को भी वो टॉयलेट बनाना चाहता है। ए भाई ये क्या बकवास चल रही है? अरे यार ये मोटरसाइकिल है कबाड़ा का डब्बा, साला हिलता ही नहीं है। ओके यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ मोटरसाइकिल, अब देखता हूँ क्या चल रहा है। मेरे दोस्तों तुम लोग वो इंसान हो जिनका कोई भी परिवार नहीं है और कोई भी तुमसे मिलना नहीं चाहता और ना ही तुम्हारे बारे में कोई पूछता है, तो मैं तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका लेके आया हूँ। देखो ये है स्किबरी टॉयलेट्स, अगर तुम इनके ऊपर बैठो तो तुम मेरी तरह बन जाओगे और हम एक परिवार बनेंगे, तुम्हारा भी एक परिवार होगा। ओ बेटा तू सही कह रहा है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं बुरा बनना चाहता हूँ। ओ जेठो ओ मैं भी एक स्किबरी बन गया, ओ बेटे मजा आ गया। ओ बाबा हमारी साइड हो गए, बाबा आप भी अब बहुत ज्यादा जियोगे, शाबाश बाबा। ओ, मेरी सेना बड़ी हो रही है सिंचन, और तुम इनके सेनापति रहोगे। अरे वाओ गाइस यार देख रहे हो हमारी फैमिली बड़ी हो गई, हमारे कितने सारे स्किबरी दोस्त हो गए। ओ बल्ले बल्ले शावा शावा, बल्ले बल्ले शावा शावा, शाबाश सिंचन, आ जाओ चलो मेरे साथ, मेरे को लगता है कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है, पकड़ो इसको, जो भी हमारे ऊपर नजर रख रहा है वो असल में ऊपर की तरफ है, वो बचना नहीं चाहिए, उसका नाम सुमित है, मार डालो उसे। अरे सुमित भाई अभी हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। हाँ सिंचन पकड़ो इसको जाकर, इसको भी हम स्केबिडी टॉयलेट बनाएंगे, कोई प्यार से नहीं बनना चाहता तो हम उसे जबरदस्ती बना देंगे, फैलाओ हमारी सेना। गाइस अरे यार ये लेक तो मेरे को ही पकड़ नहीं आ रही ऊपर। भाई सब ये स्केबिडी टॉयलेट पता नहीं कौन सी कीड़ा है, पर गाइस ये सेमी बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसका प्लान ये है कि ये पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के लोगों को टॉयलेट बनाना चाहता है, और इसके सबसे पहला शिकार था मैं, पर मेरी जगह असल में सिंचन फंस गया यार। भाई ये तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई, जल्दी घर जाता हूँ भाई, कोई प्लान बनाता हूँ। ओके तो गाइस फिलहाल तुम्हारा भाई वापस आ चुका है घर पर, और अब मेरे को ढंग से कहानी समझने दो, आखिर ये क्या चल रहा है, और भाई कहीं से तो मेरे को कोई न्यूज मिले, आखिर मैं सिंचन को कैसे बचा सकता हूँ और स्किबरी टॉयलेट को कैसे हराया जा सकता है। गाइस यार मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है। अरे ये कौन है? अरे भाई साहब तुम कौन हो? अरे यार ये क्या चल रहा है आज? अरे भाई कौन है तू? मेरा नाम है कैमरामैन। अरे कैमरामैन भाई, इस शरीर के ऊपर कैमरा है? अरे भाई भूत भूत है क्या तू? अरे नहीं मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भाई कैसी मदद? अरे तुम तो मिल ही लियोगे ना स्केबरी टॉयलेट से। अरे भाई साहब तुझे कैसे पता उसके बारे में? मेरा स्केबरी टॉयलेट दुश्मन है। अरे भाई साहब क्या ही बताऊँ, उसने मेरे सिंचन भाई को टॉयलेट बना दिया, प्लीज यार मेरी मदद करो। उसकी मदद एक ही तरीके की हो सकती है, तुम्हें एक कैमरामैन बनना होगा। क्या मुझे कैमरामैन बनना होगा? हाँ क्योंकि कैमरामैन से तुम हरा सकते हो स्केबिडी टॉयलेट को और अपने दोस्त को वापस ला सकते हो। क्या तुम बनना पसंद करोगे कैमरामैन? गाइस यार मेरे को कुछ बनना तो पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग मेरे को पहले ऑफर कर चुके टॉयलेट बनने के लिए और मेरे को टॉयलेट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर गाइस अगर मुझे सिंचन को बचाना है तो मेरे को लगता है मुझे कैमरामैन के साथ हाथ मिलाना होगा, क्योंकि कैमरामैन एक अच्छा आदमी है। हाँ मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो सुमित, क्योंकि तुम एक आखिरी इंसान हो, एक लौते इंसान हो जो ये सब कुछ समझता है, और तुम हमें बचा सकते हो प्लीज। ओके तो गाइस यार मैंने इनका प्रस्ताव मान लिया और मैं भी बन चुका हूँ एक कैमरामैन। और गाइस यार और लोग नहीं है क्या तुम्हारे साथ? नहीं एक तुम हो और एक मैं हूँ अकेला, हम दो ही लोग हैं और हमें दोनों को ही मिलके स्केबिडी टॉयलेट्स को हराना होगा।
अरे यार उनकी तो पूरी फौज है यार, पहले एक था फिर दो हुए, अब भाई 10 हो गए और वो और लोगों को स्किबिडी टॉयलेट बनाने गए। हाँ हमें उसी चीज को रोकना होगा, वो एक वायरस की तरह है, वो धीरे धीरे करके पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर फैल जाएगा। चलो जल्दी गाइस यार, हमें उन लोगों को रोकना होगा। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ गए थे यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना पार्ट 2, और हम मिलेंगे इसको नई गेम प्ले में। जब तक ले सायोनारा।